क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बना लेते थोड़ा, ठीक है। ये हमारा लेट अस सपोज पैरेललोग्राम है सर, लेट अस सपोज ही किया जा सकता है सर इसे। कचप भेज दिया है। PQRS है ना, ये हमें दिया है जिसमें टेकिंग इन द ऑर्डर, हाँ, पी क्यू आर एस में कुछ वर्टिसेस दिए हैं। पी का वर्टिसेस दिया हुआ है दैट इज 3.4 है, अच्छी बात है। क्यू का वर्टिसेस हमें पता है -2.3 है, ठीक है सर। आर का वर्टिसेस हमें पता है -3.-2 है, ठीक है सर। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टिसेस इज, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बता दो। लेट अस सपोज इसका वर्टिसेस हमने ले लिया x, y, क्या ले लिया x, y, लेकिन ये बनेगा कैसे सर, ये तो बहुत दिक्कत हो रहा है बड़ा, कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा। देखो पैरेललोग्राम के बारे में, कुछ कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? पैरेललोग्राम में ये साइड जो होता है इस साइड के पैरेलल होता है, हाँ सर ये तो बिल्कुल होता है। ये साइड इस साइड के पैरेलल होता है, हाँ सर ये भी होता है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग डायगोनल अगर ऐसे खींच दे इसका, ये कितना हो गया PR, और ये डायगोनल हमारे पास क्या हो गया QS। तो अगर हम लोग डायगोनल बना दें तो ये पॉइंट जो होता है वो डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये क्या मतलब हुआ सर? मतलब अगर हम लोग देखें, ये हमारा दो डायगोनल है, ये हो गया PR और ये हो गया हमारे पास QS, तो ये डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। मतलब इधर का लेंथ इसके लेंथ के इक्वल होगा और इधर का लेंथ इधर के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वली हमारा क्या करता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम, ऐसे लिखते हैं ना पैरेललोग्राम को, दो पैरेलल लाइन फिर जीएम पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। लेट अस सपोज ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ओ, है ना। तो ओ में क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो इसका कोऑर्डिनेट लें या इसका कोऑर्डिनेट लें, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा, है ना। अगर इसका मिड पॉइंट निकाले हम लोग, अगर क्यू और एस का मिड पॉइंट निकाले और आर और पी का मिड पॉइंट निकाले तो हमारा क्या आएगा, यही तो आएगा हमारा पॉइंट, यही तो आएगा। यानी कि दोनों मिड पॉइंट तो हमारा इक्वल ही होगा ना, क्योंकि डायगोनल का जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में कैसे निकालते हैं, x, y, जैसे ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो सिंपली हमारे पास होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। इसी टाइप से तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग निकालते हैं। तो अगर इसका हम लोग वर्टिसेस निकालें, ठीक है, अच्छे से बात सुनोगे, इसका जो मिड पॉइंट होगा और इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा सेम होगा। यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ PR का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ किसका, QS, मिड पॉइंट ऑफ QS। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, PR में निकाले तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है ना सबको, बहुत अच्छी बात है, मिटा दिया जाए। हाँ, ये सपोज कर लेते हैं हमारा हो गया x1 y1 और इसको सपोज कर लेते हैं क्या है, x2 y2, क्या है, x2 y2। अब x1 + x2 यानी कि 3 + -3 है ना, x1 + x2 / 2, y1 + y2 यानी कि 4 + -2 / 2। देखो क्या किया हमने, मिड पॉइंट ऑफ PR निकाल रहे हैं, यानी x1 + x2 / 2, x1 + x2 का वैल्यू कितना है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, माइनस लिख देते हैं इसको ताकि एक स्टेप छोटा हो सके। अगेन यहां प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है सर यहां तक तो ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ QS दोनों इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ QS अगर इसको हम लोग लेटा सपोज कर ले x1 y1 और इसको सपोज कर ले हम लोग x2 y2, आप अपोजिट भी सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि x1 y1 इसी को लेना है, x2 y2 इसको लेना है, आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो, आप इसको भी x2 y2 ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, x1 + x2 यानी कि x + -2 है ना, x1 + x2 / 2,
डिवाइडेड बाई टू कॉमा, कितना कॉमा, वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू यानी कि वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, हो गया हो गया, अच्छी बात है। अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। बोलो सेटिस्फाई करते हो कि नहीं मेरे बात से? हाँ सर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो है इस दोनों पॉइंट्स के इक्वल है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई टू डेट इज जीरो, जीरो को किसी से डिवाइड दें, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू कितना होता है टू, टू बाई टू वन ही होगा, तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, तो जीरो कॉमा वन इज इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू कॉमा, कॉमा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, हाँ सर मिटा दो सर। चलो देखो अब यहां पे हमारे पास क्या होगा कि जो एक्स वन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा, दैट इज जीरो के इक्वल होगा, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर हेयर, हालांकि ऐसा आपको करना नहीं है, ये तो आपका केवल एमसीक्यू टाइप है, टिक करो निकलो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा प्रॉपर फॉर्म में दिखा रहा हूं, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल किसके होगा, जीरो, इसका जो एक्स वन है इसके एक्स वन के इक्वल होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास टू आया, यहां पे तो माइनस टू है, यहां पर भी माइनस टू है, यहां पर टू है, यहां पर वन है, आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपको पता चल गया, आप बनाओ और निकल लो, ठीक है, आपको पता चल गया ना टू है एक्स, तो एक्स का वैल्यू जो आया टू आया, और एक ही जगह ना हमारा टू है, इधर तो माइनस टू है, इधर तो माइनस टू है, तो आप टिक करो और निकल जाओ। लेकिन कोई सोचता है नहीं सर, थोड़ा रुक जाते हैं सर, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूं, वाई का भी वैल्यू चेक कर लेते हैं ना, वाई का वैल्यू चेक कर लेंगे और क्लियर हो जाएंगे, तो चलो मिटा दे एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू मिटा दे, आप नोट कर लोगे, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू जो होगा किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू टू, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा, टू माइनस थ्री, और टू माइनस थ्री कितना होता है, दैट इज माइनस वन, कितना हो जाएगा माइनस वन, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन, एक्स का वैल्यू टू आया, वाई का वैल्यू माइनस वन, अब 100% सेटिस्फाई हुए कि नहीं हो गए, हो गए, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर फाइव का सॉल्यूशन करोगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर फॉर्म में समझ में आओगे। लेंथ पे मत ध्यान दो कि लेंथ 5 मिनट जा रहा है, 7 मिनट जा रहा है, जैसे अभी हो रहे हैं 7 मिनट और बस 8 मिनट हो गया, ठीक है, तो इस टाइम से तो टाइम पे आपको लेंथ पे ध्यान नहीं देना है, एकदम कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना एग्जामिनेशन में तो तबाही मचा दोगे भाई, 100 out of 100 से नीचे बात ही नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।